हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनागर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप सब खैर और खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद है। एक नई वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसने इतना बड़ा मैसेज दिया और अपने साथ जो स्टूडेंट उसके साथ पढ़ते थे उनके लिए भी एक बड़ा एक सहूलत कार बन गई। उसमें जो है उन्होंने मोदी जी को जो मैसेज दिया है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो सीरत नास, पीएम मोदी को जो मैसेज दिया है, बीच में सारा हिंदी में लिखा हुआ था। तो चलते हैं पहले सीरत नास की गुफ्तगू सुनते हैं कि ये क्या बोलती है। मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोही मल्हार में रहती हूँ। मेरे को ना, मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोही में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। वायरल वीडियो में नजर आ रही बच्ची देश को अपनी मन की बात बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी से अपने मन की बात कह रही है। वायरल वीडियो में सीरत प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्कूल के बारे में बता रही है। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। हाँ, बाहर हमें हमारी क्लास लगती है। देखो कितना गंदा फर्श है हमारा। अब प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा टॉयलेट, अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमें हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें। सीरत बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए सीरत के पास अच्छा स्कूल नहीं है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी से अपने स्कूल की मरम्मत करवाने को कह रही है। सर, हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था। देखो हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम आईएएस ऑफिसर बन सके। सीरत प्रधानमंत्री मोदी को स्कूल की इमारत दिखाती है, इसके अलावा अपनी क्लास भी दिखाती है जहां वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करती है। इस दौरान वो फर्श पर गंदगी की तरफ भी इशारा करती है। एक वेरी गुड क्लैपिंग। तो इस तरह हम टोटल बच्चों की जो जम्मू कश्मीर के कठुआ की रहने वाली नन्ही सीरत नास को इस बात से काफी दुख होता है कि उसे अपने स्कूल में दोस्तों के साथ गंदे फर्श पर बैठना पड़ता है। उसने छोटी सी उम्र में ही इसमें बदलाव लाने की ठान ली है। उसने इसके लिए भारत के सबसे ताकतवर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी समस्या को पहुंचाने की ठान ली है। फेसबुक पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कठुआ जिले के लोहाई मल्हार गांव की छोटी सी लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक प्यारी सी इच्छा व्यक्त की। वो सबकी सुनते, पूरे देश की सुनते, इसलिए मेरी भी सुने, उन्होंने सुन ली। तो कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी हो रही है कि आपके स्कूल को? मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, यहाँ हमारा स्कूल नया बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सीरत 5 मिनट के इस वीडियो में स्कूल का कोना कोना दिखाने की कोशिश करती है। वो उस गड्ढे को भी दिखाती है जहाँ बच्चे खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए सीरत बार बार पीएम मोदी से स्कूल की दुर्दशा ठीक करने के लिए अपील करती देखी जा सकती है। फिलहाल सरकार ने बात सुन ली है और स्कूल की जल्द से जल्द मरम्मत करने का आश्वासन भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जी सर, आपने सुनी गुफ्तगू सीरत नास की। दोस्तों आपने सुना कि सीरत नास इतनी सी छोटी सी बच्ची और उसने इतना बड़ा मैसेज दिया और अपने जो तकलीफें वो महसूस कर रही थी कि स्कूल में मुझे फर्श पे बैठना पड़ता है, वो मैसेज जो है अपना मोदी जी तक जो है पहुँच चुका है और उन्होंने जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है सर कि जब किसी मुल्क का इतनी बड़ा सरबरा, इतना बड़ा
प्राइम मिनिस्टर हो और फिर कुछ बातें अगर कानून में आ भी जाए तो उस पर फौरन जो इम्प्लीमेंट हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि कोई आम आदमी कितने ही चीखता रहे, कितनी भी बड़ी बात करते रहे, कभी इस तरह रिप्लाई नहीं आया कि भाई किसी की बच्चे की बात सुनी हो या किसी बड़े की बात सुनी हो कि भाई आपने ये कहा था, हमने ये काम कर लिया। इस तरह हमें कोई कानों में ये आवाज़ नहीं आती। लेकिन इंडिया में जो है इसके बरक्स ये मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि महिंद्रा जो है काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो मोदी जी जो उस पर जो अमल दरामद करवा देते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो कि डिफरेंशिएट अगर हम करें दोनों का, पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसमें वो लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों को, एजुकेशन को और बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन हमारी ये चीज़ें नहीं हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर जो है वो गरूर में और जो है तकब्बुर में जो है ना अपने आप को जो है ना अलग थलग रखता है। लेकिन अगेंस्ट में वहाँ के मिनिस्टर, वहाँ की जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने उस बात को सुना और फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिए। इस तरह के काफ़ी सारे ऐसी फैसले इन्होंने किए हैं जो कि फौरी तौर पे जो डिसीजन लेके उसको हल करा दिया गया। तो बच्ची जो है सीरत आपको पता है क्या बनना चाहती है जी? आईएएस ऑफिसर। आईएएस तो वो पढ़ना चाहती है अच्छे माहौल में, अच्छे स्कूल में। तो हमारी दुआएँ कि सीरत को जो है आईएएस ऑफिसर बने और वो भले फूले और पढ़ाई में जो है अपना एक नाम जो है रोशन करे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा बच्चे, छोटे बच्चे जो फोकस कर लेते हैं चीज़ों को, जो हाईलाइट करते हैं कि भाई हमने ये करना है और इन इन चीज़ों की खास तौर पे बेटियों को खामी, हाँ जिन चीज़ों की खामियाँ उनकी निशानदेही बता देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लड़कियों को बहुत शौक होता है पढ़ने की, कुछ बनने की, कुछ करने की। सही बोल रही है। तो सपोर्ट करने वाले वालदेन ही होते हैं बिल्कुल, के सपोर्ट करते हैं अपनी बेटियों को, वही कामयाब होती हैं जी। और रहेगी बेटों की तो क्या ही बात है, वो तो शहजादे पैदा होते ही शहजादे होते हैं और बड़े होते हैं तब भी शहजादे ही होते हैं। बिल्कुल, अपने मन के मौजी होते हैं, अपनी मन में जो चीज़ें आ गई तो बस उस पर जो है वो खेल कूद में जो है ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और हमारी ये तो एक नया एक ट्रेंड चल चुका है कि जो है पहले बच्चों को सुलाओ फिर उठाओ, मोबाइल हाथ में है तो फिर बड़ा एक मसला ख़राब है का। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, सीरत का ये मैसेज मोदी जी तक पहुंच गया। बड़ा अच्छा लगा कि एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने इतना बड़ा मैसेज दिया जिसकी वजह से मोदी जी ने फौरी तौर पे उस स्कूल में काम स्टार्ट कर दिया। जब ये स्कूल बनेगा, बहुत बड़ी बात है, हाँ जब ये स्कूल बनेगा ना आप देखना कि कैसा बनेगा, अच्छा ही बनेगा। यकीन जब ये चीज़ें बनाते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि पैसे कितना खर्च होते हैं, वो बोलते हैं चीज़ अच्छी बननी चाहिए। और बड़ा बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा स्पेस है, तो इतनी सी छोटी सी मैसेज था जो सीरत ने दिया और पूरी दुनिया में जो है फैल गया और मोदी जी के कानों तक भी कई बातों उन्होंने फौरन उस पर अमल कर लिया। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सैर को इजाज़त दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।